प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा के विज्ञान के छठे चैप्टर ज प्रक्रम के छठे लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम मानव के परिसंचरण तंत्र के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। मानव में जो परिसंचरण तंत्र जो होता है उसको हम दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं। एक तो रुधिर दोहरा परिसंचरण तंत्र और दूसरा है लसीका तंत्र। रुधिर दोहरा परिसंचरण तंत्र जो है इसको फिर से हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला रुधिर, दूसरा हृदय और तीसरा रक्तवाहिनियां। तो देखिए कि यहाँ पर जो वैसे तो पूरा लेक्चर ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है मानव का हृदय। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। अब देखिए कि सबसे पहले मैं आपको रुधिर के बारे में बताऊंगा, ब्लड के बारे में बताऊंगा, उसके बाद जो है रुधिर वाहिनियों के बारे में, और उसके बाद हृदय के बारे में, और लास्ट में हम लसीका तंत्र के बारे में इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं रुधिर की। जो हमारे शरीर का ब्लड जो है उसकी हम बात करते हैं कि आपको पता है कि ब्लड जो है पूरे शरीर के अंदर परिसंचरित होता है और ये एक तरल माध्यम का बना होता है। किसका बना होता है? एक तरल माध्यम, और उस तरल माध्यम को हम कहते हैं प्लाज्मा। ब्लड किसका बना होता है? एक तरल माध्यम का बना होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर तीन तरह की कोशिकाएं होती है। एक तो लाल रुधिर कोशिकाएं, आरबीसी बोलते हैं इसको, रेड ब्लड सेल्स, और दूसरा होता है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं, और तीसरा होता है बिंबाणु या प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स तो यहां पर मैंने आपको बताया कि रुधिर जो है एक तरल माध्यम जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, प्लाज्मा का बना होता है, जिसमें तीन तरह की कोशिकाएं होती है, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स। अब देखिए कि लाल रक्त कोशिका की हम बात करते हैं, लाल रुधिर कोशिका की हम बात करते हैं, इनकी सबसे पहले मैं बात करता हूं आकृति की। इनकी जो आकृति जो है वर्तुलाकार होती है। आकृति कैसी होती है? वर्तुलाकार होती है। ओके, और इसमें रेड ब्लड कोशिका, यानी इसका जो रंग जो होता है वो लाल होता है, और लाल रंग जो है वो किस वजह से होता है? लाल रंग जो है वो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक। और आरबीसी की एक खास बात है कि इसमें केंद्रक नहीं होता, इन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता, और ये आरबीसी ही है जो ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाती है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले आती है। ओके, तो आपने इसमें आरबीसी के बारे में मेन चार बातें बता देनी है। पहली बात तो इसके जो आकृति होती है वो वर्तुलाकार होती है, कुछ इस टाइप की सी होती है, और दूसरा जो है इसका जो लाल रंग है वो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तीसरी बात इसमें बतानी है कि इन कोशिकाओं में जो है केंद्रक नहीं होता, और चौथी बात जो है इसमें आपने बतानी है कि ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापिस ले आती है। तो आरबीसी की ये चार बातें आप लोगों ने डिस्कस करनी है। तो अब बात करते हैं हम WBC की, यानी श्वेत रुधिर कोशिकाओं की। अब श्वेत रुधिर कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन की तरह से कोई भी वर्णक नहीं होता, कोई रंग देने वाला कोई पदार्थ नहीं होता, इसलिए क्या होती है? रंगहीन होती है। क्या होती है? रंगहीन। अब अगर इसकी आकृति की बात करें तो आकृति भी क्या होती है? अनियमित होती है। कोई
विशेष आकृति हम इसको नहीं कह सकते, तो ये वाली आकृति इसकी होगी, इरेगुलर शेप इनकी होती है। अब WBC का काम क्या है ये और बता दीजिएगा कि ये शरीर को जो संक्रमण से बचाती है, या हम देसी भाषा में कहें तो रोगाणुओं को खा जाती है, अर्थात कि एंटीबॉडी का निर्माण करती है, ठीक, और एंटीबॉडी का निर्माण करके रोगाणुओं को नष्ट कर देती है। ओके, शरीर को संक्रमण से बचाती है। ओके, तो यहां पर आपने ये मोटी मोटी तीन बातें किसके बारे में बतानी है, WBC के बारे में बतानी है। ओके, और थर्ड जो है वो आता है रुधिर प्लेटलेट्स। ओके, ये कोशिकाओं के बहुत ही छोटे छोटे खंड है। प्लेटलेट्स क्या है, कोशिकाओं के छोटे छोटे खंड है और इनमें भी केंद्रक नहीं होता, ठीक, और ये जो है रुधिर के स्कंदन में यानी उसका क्लोटिंग में, यानी हम ये कहें कि रुधिर को जमने में जो है प्लेटलेट्स हमारे सहायता करते हैं। जैसे मान लिया कोई चोट या कट लग जाता है बॉडी पे, तो थोड़ी देर बाद में खून जो है वहां पर जम जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है, प्लेटलेट्स की वजह से होता है। तो इस तरह से खून का थक्का जमने में रुधिर के स्कंदन में जो है हम कह सकते हैं कि प्लेटलेट्स सहायता करता है। तो ये इतनी सी बात आपने किसके बारे में बतानी है, रुधिर के बारे में बतानी है कि इसमें तीन तरह की कोशिकाएं होती है, RBC के बारे में, शेप उसका कलर और उसमें केंद्रक नहीं होता, और उसका कार्य बताना है। इसी तरह से WBC का रंग, उसका शेप और उसका कार्य के बारे में बताना है। प्लेटलेट्स के बारे में भी आपने यही बताना है कि कोशिकाओं के छोटे छोटे खंड होते हैं, इनमें केंद्रक नहीं होता है और ये रुधिर के स्कंदन में सहायता करते हैं। अब देखिए कि जो चीज मैंने आपको समझाई है यहाँ नोट्स में मैंने लिख रखी है। नोट्स अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक मिल जाएगा, मेरे ब्लॉग का लिंक मिलेगा, वहां से आप पढ़ भी सकते हैं और इनकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। या इसके अलावा जो है मेरे मोबाइल ऐप है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे आता दूसरे नंबर पे मानव हृदय, लेकिन हम हृदय से पहले जो है रुधिर वाहिनियों की बात करते हैं कि मानव शरीर के अंदर जो है तीन तरह की रुधिर वाहिनियां होती है। एक तो धमनियां, दूसरी है शिराएं और तीसरी है केशिकाएं। अब देखिए कि यहां पर जैसे हमने शुरू में स्टार्टिंग में कहा था कि रुधिर जो है पूरे शरीर के अंदर परिसंचरित होता है, तो परिसंचरण जो है ये इन वाहिनियों के थ्रू होता है। तो अब हमें ये पढ़ना है कि ये धमनियां क्या होती है, सिराएं क्या होती है और केशिकाएं क्या होती है। अब देखिए कि जैसे मान लीजिए हमारा हार्ट है, एक बार मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं, ये मानव का हृदय है, ठीक। अब हृदय से पूरे शरीर के अंदर जो रक्त जाता है वो जिन वाहिनियों से जाता है उन्हें हम धमनियां कहते हैं। ओके, धमनियां जो है यहां से रक्त ले जाती है, हृदय से रक्त ले जाती है, जबकि शिराएं जो है वो शरीर के विभिन्न हिस्सों से हृदय के अंदर रक्त ले आती है। शिराएं हृदय के अंदर रक्त को लेकर आती है और धमनियां यहां से लेकर जाती है। केशिकाएं क्या होती है, पतली पतली वाहिनियां होती है जो धमनियां और शिराओं को आपस में कनेक्ट करती है। ओके, तो यहां पर आपने एक मोटी सी बात याद रखनी है,
जो हृदय से रक्त को ले जाए वो धमनियाँ, और जो हृदय के अंदर रक्त को ले आए वो सिराएं। ठीक, याद रखने के लिए एक ट्रिक है, धमनियाँ धमका कर ले गई, सिराएं शरमा कर ले आई। ओके, अब देखिए कि धमनियों में अधिकतर क्या होता है कि सिर्फ एक धमनी को छोड़ के बाकी सभी धमनियों में ऑक्सीजनित रक्त बहता है, यानी जिस रक्त के अंदर ऑक्सीजन हो, जिसको हम बच्चों को समझाने के लिए शुद्ध रक्त भी कह सकते हैं, वो धमनियों में होता है। ठीक, ऑक्सीजनित रक्त होता है इसमें। ओके, जबकि सिराओं में जो है ऑक्सीजन रहित रक्त होता है, इसमें कैसा होता है, ऑक्सीजन रहित रक्त। ओके, या रुधिर भी हम कह सकते हैं। लेकिन सब एक सिरा और एक धमनी आपने याद रखना है कि यहाँ पर जैसे हमारे फेफड़े होते हैं जिसको हम फुफ्फुस बोलते हैं। ठीक, ये क्या है, फुफ्फुस। अब देखिए कि हार्ट से या हृदय से फुफ्फुस तक रक्त को शुद्ध करने के लिए अशुद्ध रक्त जो है यहाँ फेफड़ों में जाएगा और फेफड़ों से शुद्ध होकर के ऑक्सीजनित होकर के हृदय में आता है। लेकिन हमें ये तो पता है कि ले जाने वाली धमनी होगी और लाने वाली सीरा ही होगी। अब फुफ्फुस के साथ जो जुड़ गई वो फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी, और फुफ्फुस के साथ जो सीरा जुड़ गई वो फुफ्फुस सीरा। लेकिन फुफ्फुस धमनी के अंदर देखिए अशुद्ध यानी ऑक्सीजन रहित रक्त होता है, जबकि फुफ्फुस सीरा के अंदर ऑक्सीजनित रक्त होता है, ये बात याद रखना। ठीक, बाकी सारी धमनियों में शुद्ध, लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है, बाकी सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन फुफ्फुस सिरा के अंदर शुद्ध रक्त होता है, ये चीज आपने याद रखना है। इसके अलावा धमनियों के अंदर ब्लड का जो प्रेशर होता है, रुधिर का जो दाब होता है वो अधिक होता है। ठीक, और इसलिए इसकी दीवारें जो है वो क्या होती हैं, मोटी होती हैं, शरीर में थोड़ी सी गहराई में पाई जाती है ये। ओके, जबकि सिराओं के अंदर ब्लड का प्रेशर कम होता है क्योंकि यहाँ तो खून वापिस ही आना होता है, तो यहाँ कम होता है और इसलिए इसकी दीवारें जो है वो क्या होती हैं, पतली होती हैं, और ये शरीर में जो है ऊपर की तरफ ही मिलती है। कि जैसे इस तरह से आप अपनी बॉडी में भी चेक कर सकते हो, जो ये जो आपको ऊपर जो नलियाँ यहाँ पर आपको साफ नजर आ रही होगी, ठीक है, ये जो है क्या है, सिराएं हैं। ओके, तो धमनियाँ, सिराएं और केशिकाओं के बारे में आप डिटेल से यहाँ से पढ़ सकते हैं। धमनियाँ और सिराओं के बीच में अंतर जो है ये भी कई बार दो नंबर में पूछ लेते हैं। ओके, अब इस लेक्चर का हम मेन पार्ट पढ़ते हैं, वो है मानव हृदय। अब मानव हृदय जो है वो वक्षीय गुहा में दोनों फुफ्फुसों के बीच अधर तल पर कुछ बाईं ओर स्थित होता है। ठीक है, आपने पहले तो हार्ट की स्थिति बतानी है कि शरीर में कहाँ होता है। मानव हृदय वक्षीय गुहा में दोनों फुफ्फुसों के बीच अधर तल पर कुछ बाईं ओर होता है, ये बात आपने बताना। फिर इसके साइज के बारे में बता दो कि मनुष्य की मुट्ठी के माप का होता है, गुलाबी रंग का, शंख के आकार का भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो अब ये दो बातें बताने के बाद फिर हमें मानव हृदय की संरचना के बारे में बताना है, और उस संरचना को जो स्क्रीन पे आपको चार्ट दिखाई दे रहा है उसके द्वारा मैं आपको समझाता हूँ
कि सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि मनुष्य के हृदय में चार कोष्ठक होते हैं, चार भाग होते हैं। तो जो चार कोष्ठकों में से जो है दो आलिंद होते हैं और दो निलय कहलाते हैं। अब देखिए कि जो ऊपर के जो पार्ट है यहाँ पर, जैसे ये वाला जो पार्ट है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर कर देता हूँ आपको, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ये जो पार्ट है ये आलिंद है, ठीक। और ये जो अब मैं कलर कर रहा हूँ, ये जो पार्ट है ये नीले है, ठीक, समझ गए। इसी तरह से हर्ट के बाईं ओर भी जो ऊपर का पार्ट है वो आलिंद है, ये जो पार्ट है क्या है, आलिंद है। और जो नीचे का जो पार्ट है ये नीले है, ये जो आपको नीचे का पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, नीले है। इनको याद रखना भी आसान आसान है। नीले नीचे, नी से नी मिला दीजिए, नीले नीचे, आलिंद ऊपर, ऐसे ऐ मिला दिया, आलिंद ऊपर ऐसे ओ मिला दिया, ठीक है। तो ऊपर आलिंद है और नीचे नीले है। अब देखिए ये जो साइड है ये बायां, ये बाएं साइड है। इस हर्ट को आप उठा करके अपने हर्ट पर लगा करके देखिए, ठीक है। तो या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो हमारे दाएं हाथ की तरफ है वो बायां हिस्सा है और बाएं हाथ की तरफ है वो दायां हर्ट का। तो जो ये बायां आलिंद बायां नीले, दायां आलिंद दायां नीले, ओके। अब यहाँ आप चित्र से भी देख सकते हैं कि जो आलिंद जो होता है इनकी दीवारें पतली होती है, चाहे आलिंद बाया हो चाहे दाया हो, इनकी दीवारें क्या होती है, पतली, जबकि नीले की दीवार जो है देखिए काफी मोटी होती है, ठीक। और नीले और आलिंद और नीले के बीच में एक कपाट होता है, जैसे दाया आलिंद दाया नीले के बीच में कपाट है और बाया आलिंद और बाया नीले के बीच में भी कपाट है, ओके। अब देखिए कि इनके पार्ट मानव हृदय के विभिन्न पार्ट जानने के बाद हम इसकी कार्यविधि की बात करते हैं कि जो बाएं साइड है इसकी, चाहे बाया आलिंद हो चाहे बाया नीले हो, बाएं के अंदर जो है शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त का मतलब ऑक्सीजन वाला रक्त होता है, ठीक। वैसे तो शुद्ध कहना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि रक्त में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, बाकी तो सारा शुद्ध ही है। लेकिन 10th क्लास लेवल पे बच्चों को समझाने के लिए हम इस तरह से शुद्ध और अशुद्ध शब्दों का जो कई बार बुक्स में प्रयोग करते हैं, बाकी तो जैसे इसको ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित या ऑक्सीजन रहित का प्रयोग करना ज्यादा अच्छा रहता है। तो और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन रहित रक्त होता है, ऑक्सीजन रहित या अशुद्ध रक्त जो है यहाँ पर होता है। याद रखने के लिए बायां, बायां बायां में बढ़िया है, बायां साइड जो है बढ़िया रक्त होता है, दायां में दुखी यानी ऑक्सीजन रहित। यानी इस तरह से आप कुछ भी करके वो कंफ्यूज मत होना, क्यों इसमें किसी भी तरह से आपने जो है बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो अब देखिए आपको पता लग गया कि इसके अंदर चार कोष्ठक होते हैं और किस साइड में किस टाइप का रक्त होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखिए अगर हम कार्यविधि की बात करें तो पहले हम राइट साइड ले लेते हैं इसकी, दायां आलिंद ले लेते हैं कि दायां आलिंद के अंदर जो है शरीर के विभिन्न हिस्सों से मिलकर के एक बड़ी दो बड़ी बड़ी सिराएं बनती है जिनको महाशिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महाशिरा। एक तो शरीर के निचले हिस्से से और एक शरीर के ऊपर वाले हिस्से से। तो शिरा
क्या करती है, रक्त को लेकर के आती है। आप यहाँ तीर के निशान से भी देख सकते हैं, और मैंने आपको समझाया भी था कि सिराएं शर्मा कर ले आई। तो हार्ट के अंदर सिराएं क्या करती है कि ऑक्सीजन रहित रक्त लेकर के आती है, और वो रक्त यहाँ आलिंद में इकट्ठा हो जाता है। जैसे इसका संकुचन होता है तो ये आलिंद से सारा का सारा ऑक्सीजन रहित रक्त जो है वो दाएं नीले में आ जाता है। जब दाएं नीले का संकुचन होता है तो ये वाला कपाट खुल जाता है और ये रक्त जो है वो कहाँ चला जाता है, फुफ्फुस में चला जाएगा। अब फुफ्फुस में जाने के लिए जो है, अब शरीर से बाहर कौन लेके जाएगा, धमनियां लेके जाएगी, ठीक समझ गए। और धमनियां कैसी जो फुफ्फुस में जा रहे, फुफ्फुस धमनियां, ओके। तो अब फुफ्फुस में जाकर के ये रक्त जो है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ले आएगा। ऑक्सीजन लेने के बाद फुफ्फुस से कौन ले आएगी, सिराएं लेकर के आएगी, ठीक। और ये जैसे यहाँ पर आप सिराएं देख सकते हो, फुफ्फुस वाली सिरा यहाँ आ गई, ओके। और अब देखिए कि फुफ्फुस सिराएं जो है वो ऑक्सीजन वाला रक्त यहाँ बाएं आलिंद में इकट्ठा कर देगी। अब जैसे इसका संकुचन होता है तो ये कपाट खुल जाएगा, बाएं नीले के अंदर सारा रक्त आ जाएगा। फिर यहाँ से जैसे इसका संकुचन होता है तो ये वाला कपाट खुल जाएगा और महाधमनी के अंदर सारा शुद्ध रक्त जो है वो चला जाएगा, ठीक। और यहाँ से पूरे शरीर के अंदर रक्त पहुँच जाएगा, ओके। तो ये है इसकी सारी कार्यविधि, बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कि महाशिराएं क्या किया, रक्त लेकर के आई, आलिंद में इकट्ठा हो गया, आलिंद से नीले में गया, नीले से फुफ्फुस में गया, फिर फुफ्फुस से ऑक्सीजन लेकर के आया रक्त, ठीक। और बाएं आलिंद में इकट्ठा हुआ, बाएं आलिंद से बाएं नीले में, बाएं नीले से महाधमनी में, ओके। और ये चीज आपने याद रखनी है कि जो रक्त वाहिनियां जो शरीर में रक्त लेकर के आएगी वो सिरा, जो लेकर के जाएगी वो धमनी, ओके। और इसके अलावा जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको नोट्स में लिख दिया है, उसको अच्छे से पढ़ना आपने। अब यहाँ से एक बात और नोट करने वाली है कि जैसे मान लीजिए रक्त एक बार यहाँ हार्ट में आया, वो जो है दो बार यहाँ से पास होता है, जैसे एक बार तो इस साइड से होगा, फिर फुफ्फुस में जाकर के वही रक्त जो है इस साइड से पास होगा, ठीक। इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण कहते हैं, दोहरा परिसंचरण, ठीक। तो यह कहता है कि अंगों में जाने से पहले रक्त दो बार हृदय में आता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं, ओके। तो बिल्कुल आसान लैंग्वेज जो मेरे से बन पाई है मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको आप जरूर पढ़ लें, ओके। अब आइए हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, रुधिर दाब की। जैसे ये आपको पता ही है कि रुधिर वाहिकाओं में क्या है, रुधिर बहता है। तो जो रुधिर वाहिकाओं की जो भित्ति होती है, इनकी जो दीवार होती है, उनके विरुद्ध जो कुछ ना कुछ दाब जो लगता है रक्त का, उसे हम क्या कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं। रक्त दाब जो है सिराओं की अपेक्षा धमनियों में अधिक होता है, ठीक। और जैसे हृदय के संकुचन से जो दाब पैदा होता है, उसी जैसे हृदय यहाँ से संकुचित होता है या शिथिलन जो भी होती है, उसी की वजह से जो है धमनियों में खून आगे बढ़ता है। तो हम बात करते हैं नीले की। जैसे नीले का जो संकुचन या प्रकुंचन जो है, सुदिंदी में इसको बोलते हैं, उसके दौरान जो यहाँ पर दाब पड़ता है उसको हम प्रकुंचन दाब कहते हैं। और उसके अनुशिथिलन यानी जब नीले जो रिलैक्स होता है या शिथिलन जब होता है, तब धमनियों के अंदर जो रक्त का दाब होता है उसको हम अनुशिथिलन
दाब कहते हैं, यानी जो ब्लड प्रेशर जो है वो दो टाइप का होता है, एक प्रकुंचन दाब और एक अनुशीथलन दाब। जब नील्य जो है संकुचित होता है उसे हम प्रकुंचन दाब कहते हैं, और जब ये नील्य जो है इसमें शिथिलन आ जाती है तो तब जो खून का दाब जो होता है उसको हम अनुशीथलन दाब कहते हैं। और एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर जो है प्रकुंचन दाब जो है, रक्त का प्रकुंचन दाब 120 mm होता है और अनुशीथलन दाब जो है वो 80 mm होता है। अब रक्त दाब को मापने के लिए जो है हम एक विशेष प्रकार के यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसको हम सफाई गमो मैनोमीटर बोलते हैं। और कई बार जो है ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई हो जाता है, इसको हम अति तनाव भी बोलते हैं। वास्तव में क्या होता है कि जिससे जो धमनियां होती है वो जब सिकुड़ती है तो वहां से जो है रक्त का प्रवाह में जो है प्रतिरोध बढ़ जाएगा और उसी कारण जो है ब्लड प्रेशर अधिक होता है, और ब्लड प्रेशर अधिक होने की वजह से, रक्तचाप अधिक होने की वजह से धमनी फट भी सकती है, जिसकी वजह से आंतरिक रक्त स्रवण हो सकता है, ठीक है, काफी खतरनाक भी हो सकता है। अब हम लास्ट में बात करते हैं इस लेक्चर के कि लसिका तंत्र। लसिका तंत्र क्या होता है कि जैसे केशिकाओं में जब रक्त बहता है तो केशिकाओं की दीवारों में से छन करके जो है कुछ तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है और जिसको हम लसिका बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं। लसिका का जो संगठन है वो लगभग प्लाज्मा जैसा ही होता है, ठीक, बस इसके अंदर जो विभिन्न पदार्थ जो होते हैं ना वो उनकी कंसंट्रेशन अलग अलग होती है, उनकी सांद्रता अलग अलग होती है, ठीक। तो लसिका जो है एक कोशिकाओं के बीच में जो स्थान बच जाता है, कोशिकाओं के बीच में जो जगह बच जाता है वहां जो है परिसंचरण करता है, ठीक। और लसिका के अंदर जो है लसिकाणु नामक कोशिकाएं होती है, ठीक, ये भी शरीर को संक्रमण से बचाती है या रोगाणुओं को खा जाती है, हम सिंपली ये कह सकते हैं। और इसके अलावा इसका और काम क्या है कि प्रोटीनों और जो भी तरल है उसको प्रसंस्करण से ऊतकों तक वापिस पहुंचाती है, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने लसिका के बारे में बताना है क्या है, इसका संगठन कैसा है, ठीक, और ये कहाँ पर इसकी मूवमेंट होती है, ठीक, इसका काम क्या है, ठीक। तो ये था लसिका तंत्र। तो प्यारे बच्चे, इसी के साथ ही ये लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम पादपों के परिवहन के बारे में पढ़ेंगे कि पादपों में जो है जल का परिवहन किस तरह से होता है, भोजन तथा दूसरे पदार्थों का जो स्थानांतरण जो है वो एक पौधे में किस तरह से होता है। तो इस लेक्चर के बारे में अपने जो भी विचार हों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।